क्या सुआरेस मेसी को इंटर मियामी में ज्वाइन करने वाले हैं? उसके साथ साथ मेसी ये अपना 8 बैलून डॉर जीत चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार सॉरी 7 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम था, अभी से रेगुलर रहने का कोशिश करूंगा। यार तुम लोगों ने इंस्टा पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस टाइम पे मुझे, और अगर तुम मुझे इस चैनल पे भी सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे एक कमेंट कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, उससे थोड़ा चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। रिसेंटली एक बड़ा न्यूज हमें देखने को मिल रहा है जो कंफर्म कर रहा है कि सुआरेस अगले सीजन मेसी के साथ MLS में खेलने वाले हैं। तो सीन को जैसा है आपको पता ही होगा, सुआरेस ने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मेसी और नेमार इन दोनों के साथ रिटायरमेंट लेना चाहते हैं एक ही टीम में खेलते हुए। तो मेसी और सुआरेस का ये सपना शायद पूरा हो जाएगा 2024 में, लेकिन नेमार का यार पता नहीं क्योंकि वो फिर से इंजर्ड हो चुके हैं और होप करते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस भी आ जाएंगे। खैर तो सुआरेस का न्यूज को जैसा है कि इंटर मियामी के मैनेजर टाटा मार्टिनो ने कंफर्म किया है कि उनके प्लान्स में है सुआरेस, क्योंकि इंटर मियामी ने एक एनालिसिस करके देखा था अपने टीम में सुआरेस को इंक्लूड करके और ना करके भी, और टाटा मार्टिनो ने ये कहा है कि वो सुआरेस को एक अच्छा खासा प्रपोजल दे देंगे। खैर अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, सुआरेस क्या ज्वाइन करेंगे या नहीं। और इसके बाद हम आते हैं हमारे मेन न्यूज जो की है हमारे लियो मेसी भाई की तरफ से, जहाँ पे फैब्रिजियो रोमानो ने शायद कंफर्म कर दिया है ऑलरेडी कि मेसी ने अपना 8वां बैलून डॉर ऑलरेडी जीत लिया है। तो बात कुछ ऐसा है, DRO स्पोर्ट ने शायद कुछ रिवील कर दिया है मेसी के बारे में कि उन्होंने शायद ऑलरेडी अपना बैलून डॉर जीत लिया है, वो सिर्फ रिवील होना रह गया है। तो कल फैब्रिजियो ने ये पोस्ट किया जो मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप देख लेना पढ़ लेना इसको। और अगर तुम मेसी को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो उन्होंने शायद एक स्टोरी पे पोस्ट शेयर किया था करीब 1-2 हफ्ते पहले, उन्होंने वहाँ एक एनिमेशन टाइप शेयर किया था उनके ही बारे में, तो उसपे कैप्शन ये था कि वर्क इन प्रोग्रेस। और बैलून डॉर ने भी एक पिक शेयर किया जहाँ बैलून डॉर के ऊपर नाम छप रहा है एक प्लेयर का, जिसका कैप्शन भी उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा था। तो यार वही से बहुत सारे फ्रेंड्स ने और मैंने भी ये अज्यूम कर लिया था कि हाँ ये होने वाला है और डिजर्विंग विनर को ही मिलने वाला है बैलून डॉर इस साल। उसके साथ साथ और एक छोटा सा न्यूज, मेसी ने कल सुआरेस को पीछे छोड़ दिया कॉन्मेबॉल में 31 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गोल स्कोर करके। सुआरेस यहाँ पे टॉप स्कोरर थे कॉन्मेबॉल में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गोल्स में, वहाँ मेसी ने कल 2 गोल स्कोर करके उनको पीछे छोड़ दिया है। खैर यही था वीडियो, मैं लेता हूँ आपसे विदा, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, नीचे एक कमेंट करके बताना क्या तुम एक्साइटेड हो या नहीं मेसी के लिए। चलो बाय।